गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ मंजीत, योर साइंस टीचर। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज़ कॉमनली नोन एज POP। इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट फोर सॉल्ट एंड फोर केमिकल कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ NaCl, आउट ऑफ विच फर्स्ट इज NaOH, सेकेंड इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10H2O। थर्ड हमने रीड किया था अबाउट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। एंड फोर्थ हमने क्या रीड किया था? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। एंड आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट, हैमी वर्ड यूज हुआ है बिकॉज इसके अंदर आपका हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर? व्हाइट सीमेंट आपने देखी होगी, उसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका यूज किया जाता है डेकोरेशन के लिए। घर के अंदर जो सीलिंग हमारी होती है उसको डेकोरेट करने के लिए, जो छत होती है फिर वॉल्स होते हैं उनको डेकोरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। या फिर जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन्स को सेट करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? हमें प्लास्टर चढ़ाते हैं। तो वो जो प्लास्टर है वो भी किसके, उसके अंदर भी क्या होता है? यही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही प्रेजेंट होता है। क्लियर? एक तरह की वाइट सीमेंट होती है। सो डिस्कस करते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन इन यूज लाइक डेकोरेशन ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग एक्सेट्रा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अभी केमिकल नेम क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट हैविंग फॉर्मूला इज CaSO4। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हैमी हाइड्रेट। हैमी मतलब हाफ, हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एंड किस तरह से फॉर्मेशन होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाई हीटिंग ऑफ जिप्सम। जिप्सम को जिस टाइम हीट करते हैं तो वहाँ से हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम के अंदर टू वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, टू में से ये अपने डेड वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है और इसके पास बचता है हाफ वाटर मॉलिक्यूल, और उस हाफ वाटर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं CaSO4 के साथ जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आपका एक सॉल्ट है बिकॉज CaSO4 कैल्शियम सल्फेट या आपका सोर्स सॉल्ट है, एक सल्फेट का सोर्स बोल सकते हो आप। या फिर अगर CA पॉजिटिव कटायन के फॉर्म में आप देखते हो, पॉजिटिव आयन के फॉर्म में देखते हो, तो वहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम का सॉल्ट होगा। क्लियर? एंड इट इज ऑब्टेन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम हीट करते हैं जिप्सम को तब हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम इससे ज़्यादा हीट कर देंगे तब क्या होगा? तब हमारा जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है अभी CaSO4 के साथ वो भी रिलीज हो जाएगा और हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा, उसका एक सॉलिड वेस्ट सब्सटेंस बन जाएगा। क्लियर? प्रोडक्शन के अंदर देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोल्ड हीटिंग ऑफ जिप्सम स्टोन। जिप्सम को कंट्रोल हीटिंग के थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 मल्टीप्लाई 2H2O। कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। CaSO4 रिएक्शन के अंदर देख लो, CaSO4 इंटू 2H2O, ये फॉर्मूला है हमारे पास जिप्सम का जब हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, या फिर 373 केल्विन पर हम इसको हीट करते हैं तब हमें क्या मिलता है? POP प्लास्टर ऑफ पेरिस हैविंग फॉर्मूला इज CaSO4.5H2O। और डेड वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाता है, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर? इफ़ द टेम्परेचर गोज अबव 100 डिग्री सेल्सियस देन ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट एंड वी गेट डैट बर्न प्लास्टर। अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे, 100 से ज़्यादा हम टेम्परेचर दे देते हैं, हीट प्रोवाइड करवा देते हैं जिप्सम को, देन क्या होगा? सब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होंगे। जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है CaSO4 के साथ वो भी इसके साथ प्रेजेंट नहीं होगा और एक डैड बर्न प्लास्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी विच डू नॉट हैव सेटिंग प्रॉपर्टी। जिसकी प्रॉपर्टी नहीं होती सेट होने की। सेट होने का मतलब क्या है?
जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 हाफ H2O, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जिस टाइम वाटिंग फॉर्म में होता है, गिल्ला होता है, वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसको हम मोल्ड कर सकते हैं। कोई भी शेप जिस टाइम देते हैं घर के अंदर, कहीं पे भी डेकोरेशन करते हैं, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वो यूज़ करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वो शेप देते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट एक बार अगर वो ड्राई हो जाता है तो वो सेट हो जाता है, उसको दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? इसकी भी वही प्रॉपर्टी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। बट जो डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास बनता है, डेड बर्न प्लास्टर बनता है, सॉलिड मास जो बनता है, वो क्या होता है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, सेटिंग होने की, एक फिक्स पोजीशन लेने की प्रॉपर्टी नहीं होती CaSO4 के अंदर, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट है आपका। क्लियर? एज सून एज, और जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो हमने क्या प्रिकॉशंस रखनी होती है, इट शुड बी स्टोर्ड इन एंड पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू एयर एंड मॉइस्चर। By absorbing moisture, it sets into solid hard mass which cannot be remolded. जिसको हम ना ही तो रिमोल्ड कर सकते हैं, रिमोल्ड मतलब बार बार हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा जो मूर्तियाँ बनती हैं, भगवान की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, वो जिस टाइम तक वो तैयार नहीं होती, मतलब जिस टाइम तक उनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, उस टाइम तक उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट जैसे ही वो एक तरह से बन के तैयार हो जाती हैं और उनको ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है, तो जिस टाइम वो ड्राई हो जाती हैं, उस टाइम उनको हम चेंज नहीं कर सकते, रिमोल्ड नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट ब्रेक हो सकती है अगर हम उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो। सो वही काम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही वो मूर्तियाँ बनी होती हैं। क्लियर? जो भी स्टैचू वगैरह बनाते हैं तो वो किससे बनाए जाते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। अगर हम ओपनली रख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4 इंटू हाफ H2O, अगर इसको हम ओपनली रख देंगे तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो भी प्रेजेंट है, मॉइस्चर जो प्रेजेंट है एयर के अंदर, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक सॉलिड हार्ड मास रेडी कर लेंगे, जिसको चेंज करना मुश्किल होगा, इट मीन्स दैट वो जिप्सम की प्रिपरेशन कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है यूजेज ऑफ POP। POP को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज इन मेकिंग डस्टलेस चौक, फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ POP, डस्टलेस चौक की प्रिपरेशन के अंदर यूज़ किया जाता है POP को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ POP इज इन द सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, जो भी हड्डियाँ वगैरह किसी की टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, प्लास्टर हमें लगाया जाता है, वहाँ उस प्लास्टर के अंदर भी यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस एंड फॉर द मेकिंग डिजाइन ऑन सीलिंग्स एंड वॉल्स, छत पर और वॉल्स पर जो डिजाइन बनाए जाते हैं उसके लिए यूज किया जाता है POP को, एंड अदर डेकोरेटिव पीसेज लाइक स्टैचू वगैरह भी इससे बनाई जाती हैं। इट इज़ यूज इन दी कास्टिंग स्टैचूज के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ यूज ऑफ POP, इट इज़ यूज इन डेंटल डिजाइनिंग, डेंटल डिजाइनिंग के अंदर यूज किया जाता है POP का। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सीमेंट टू डिले इट्स सेटिंग टाइम, इनको सीमेंट के अंदर भी ऐड किया जाता है ताकि जो इनका सेटिंग टाइम है उसको थोड़ा डिले कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ POP। POP की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज POP इज़ अ वाइट अमरफस पाउडर। आपके क्रिस्टल टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइंस एंड अमरफस। क्रिस्टलाइंस आपका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है स्टार्टिंग में, बट ये आपका अमरफस थोड़ा सॉफ्ट होता है। इट इज़ शॉपी टू टच, जिससे हम टच करेंगे तो शॉप लाइक टच इसका आता है। ऑन हीटिंग इट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मास, जिस टाइम इसको हम हीट करते हैं तो क्या होगा, सॉलिड मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल इसके पास प्रेजेंट होता है वो भी इसका चेंज हो जाता है। इट इज़ स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है, ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता। बाई अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर इट्स वॉल्यूम इंक्रीज एंड इट सेटल इनटू अ हार्ड मास, जिस टाइम ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा अपने एटमॉस्फेयर से, हमने बोला था कि इनको हमने कंटेनर में रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर के अंदर, बिकॉज अगर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एंड वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद ये सेटल हो जाएगा एक हार्ड मास की फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, हाइड्रेटेड सॉल्ट।
हाइड्रेटेड सॉल्ट आपके वो सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या है कि जहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो। दो सॉल्ट्स विच हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। जो वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपका एक लास्ट टॉपिक आया था जिसके अंदर मैंने आपको बोला था क्रिस्टलाइजेशन का वर्ड, आप जो वर्ड यूज़ किए हमने वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको आप आगे समझोगे। तो इसका मतलब क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि हम कोई भी फॉर्मूला राइट करते हैं तो उसके पीछे जो भी वाटर मॉलिक्यूल उसके राइट होते हैं, जैसे हमने यूज़ किया था डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा के अंदर हमने डेकाहाइड्रेट यूज़ किया था Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और यहाँ पे इनको हम बोलते थे वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जहाँ पे किसी भी फॉर्मूले के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो उनको हम बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये किसी सॉल्ट को वेट नहीं करते, उसको भिगोते नहीं है, इसको अगर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे जस्ट इनकी बॉन्डिंग होती है। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बॉन्ड बनाते हैं सॉल्ट्स के साथ। क्लियर? और जो ये बॉन्डिंग होती है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका एक चैप्टर है प्लस टू क्लास के अंदर, वहाँ ये आपका डिटेल में आएगा। कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड एक बॉन्ड होता है जो बनाया जाता है वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर जो आपकी स्पीसीज है किसी भी सॉल्ट में उसके बीच में। एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन इट्स फॉर्मूला यूनिट। जो भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है उनके अंदर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपका वॉशिंग पाउडर है, एंड जिप्सम। क्लियर? जिप्सम के अंदर हमारे पास क्या है, टू वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा इट मीन्स दैट फाइव, तो फाइव वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, डेकाहाइड्रेट मतलब 10, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास कलर है कॉपर सल्फेट का ब्लू। ये ब्लू कलर क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हीट करें, हीट करने के बाद क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, एंड लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से जो कॉपर सल्फेट है वो अपना कलर भी लॉस कर देता है, रिमूव हो जाएगा कलर ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एंड अगर हम फर्दर इसको किसी भी मॉइस्चर की प्रेजेंस में लेके आते हैं, एक्सपोज करते हैं इन एयर जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, देन ये रिगेन करेगा अपने ब्लू कलर को। क्यों करेगा? बिकॉज जो कॉपर सल्फेट है वो फर्दर वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा एंड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट हैं जो अपने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं, लाइक अगर इस रिएक्शन को मैं रिवर्स करती हूँ, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर मैं हीट करती हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट एंड फाइव वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो ये वाला कॉपर सल्फेट हमें मिला है इसको हम बोलेंगे अनहाइड्रस सॉल्ट, अनहाइड्रस सॉल्ट या फिर अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास है अनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है, दो सॉल्ट्स विच हैव लॉस्ट देयर वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड अनहाइड्रस सॉल्ट और अनहाइड्रस अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर? जो अपने वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देते हैं तो उसके बाद लॉस करने के बाद जो हमारे पास सॉल्ट बचता है उसको हम बोलते हैं अनहाइड्रस सॉल्ट या फिर अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल FeSO4, कॉपर सल्फेट भी हम ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी हम ले सकते हैं अगर हमारे वाटर मॉलिक्यूल हमने रिलीज करवा दिए हैं तो उसके। सो ये था आपका सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।